जानवर वगैरह इन लोगों के बिल्कुल ही रोडों के ऊपर देख ले आप, ठीक है। ये काफी बस्तियां जो जेरे आप आ चुकी हैं, ये दरिया का पानी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये झुगियां वगैरह जो बिल्कुल ही जेरे आप आ गई हैं, लोग वहाँ से सेफ निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो लोगों के जो घर वगैरह है ना, जो साधो सामान जितना भी था वो सारा इनका जो है ना वो डूब गया है। और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रेस आप और बाकी दोस्त अहमद हैं, वो सारे इसमें शामिल हैं। और मैं सादकाबाद अहलिया में सादकाबाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिल खोल कर हमें सामान दिया है, जो कि तकरीबन आज हम 20-21 घंटे के लिए हमारा मतलब भी है 700 खानदानों के लिए हम जो है उसी तरह से पाँच जमा आदमी लेके जा रहे हैं। और तकरीबन 400 लोगों के लिए हमारे पास जो बना हुआ खाना है, 500 लोगों के लिए हमारे पास खाना खजूर और उनके बच्चों की गाड़ियों के पैसे हैं, हमारे पास पाँच जमा है। माशाल्लाह तो बहुत सारा सामान है जो हम आज मात्र जा रहे हैं, ज़्यादा तरह से मिले। अच्छा दोस्तों, ये बंद के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है भाई। मैं राजनपुर, ये लोग सारे बैठे हुए हैं, इनका सारा सामान जो है ना वो बह चुका है, ठीक है। कोट मिठन का इलाका ये ऐसे ना, ये कोट मिठन का इलाका है, कोट मिठन का जो छोटी सी बस्ती है। सादकाबाद के ताजर हजरात हैं, जो शहरी हैं, सबने छोटे बड़े सबने ये जो दूसरा है ना, तो वो इमदादी कार्रवाई भरपूर तरीके से की है, ये देख सकते हैं आप। मेहरबान है पाकिस्तान जो टीम है उनकी तरफ से, ये सब जो है लोड हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक ये मौजूद है आप लोगों के सामने, ये भी मैं आपको दिखा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये भी ट्रक, ये भी लोड है, ये आप देख सकते हैं मुतासरीन ज़िला राजनपुर, ठीक है। ये राजनपुर के इलाके में ये भी ट्रक माशाल्लाह से काफ़ी भरपूर तरीके से लोगों ने इमदाद की है, फुल इसमें सामान लोड है। उसके अलावा दोस्तों ये एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये इसमें भी काफ़ी हजरात जो मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो वहाँ पर मेडिसन वगैरह के लिहाज से जो भी जितनी भी दवाइयाँ वगैरह वो इसमें मौजूद हैं, और ये अपने तरीके से जो डॉक्टर हजरात इसमें मौजूद हैं, ठीक है। डॉक्टर हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेडिसन जो थोड़ी बहुत जो मसलम सहल होगा जिल्द के हवाले से, जैसे जिल्द की बीमारियों में बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे मसला बन रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मैं रेस्क्यू के ऑफिस में आ गया हूँ, तो यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। ये सामने हमारे सिविल डिफेंस का जो दस्ता मौजूद है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, रेस्क्यू के साथ मिलके तमाम जो टीमें हैं वो रेस्क्यू के साथ मिलके काम कर रही हैं। ये मेहर साहब मौजूद हैं, ये हमारे सीनियर हैं, ये मेहर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बिलाल भाई, जवेद साहब, डिप्टी ग्रुप वार्डन साहब, ठीक है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला दुआ को होइएगा कि खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं, ठीक है। जी तो दोस्तों, अहमद भाई हमारे साथ हैं, ये भी सिविल डिफेंस में एज अ गार्डन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रेस्क्यू ऑफिस से निकले हैं, तो अभी हम लोग मंजिल की जानिब जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में हमने डीजल वगैरह डलवाना है, तो अभी यहाँ पे कतारें लग रही हैं, ठीक है। गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, खड़ी होकर फिर हम लोग जाएँगे राजनपुर की तरफ, हम लोग जाएँगे राजनपुर रुझान, ये एरिया जो 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, तो ये डिवाइड हो जाएंगी 3 से 4 इलाकों में। कच्चे के जो सिटी एरिया भी है, जो कच्चे का इलाका है जो ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ पे भी ये गाड़ियाँ डिवाइड हो जाएंगी। और सामान काफ़ी मकदार में हमारे पास जो मौजूद है गाड़ियों में, बिल्कुल ही ओवरलोड की हुई हैं गाड़ियाँ, ताकि यही कि कोई बंदा रह ना जाए, कोई जो मुतासरीन कोई ज़रूरतमंद जो है ना वो रह ना जाए, तो इसी लिहाज से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना वो इसमें एक्स्ट्रा लोड कर लिया है, खाने पीने का भी और अशिया, तमाम अशिया जो जितनी भी है ना वो सारी इसमें मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ हैं, पीछे दो बड़ी जो मिनी मजदे हैं वो भी लोड हुए हैं फुल, तो आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये दरिया के साथ जो इलाके मुतासर हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, हम चाचड़ा शरीफ जो पुल है ना उसके ऊपर मौजूद हैं, उसके नीचे
दरिया होता है जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ से वो ना दरिया गुड्डू में शुमार हो रहा है। ठीक है, गुड्डू बराज में जो है ना वो जाके गिर रहा है, वहाँ से फिर जाता है सक्कर में जा रहा है मेरे ख्याल से। दरिया सिंध जा रहा है, जो सिंध जा रहा है वहाँ से होता हुआ वो सिंध जा रहा है। तो पानी की भाव की स्पीड बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में आपको ठीक से मैं कवरेज नहीं दे सकता, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी पानी। सारे मुतासर इलाके, ये सारे इलाके जो मुतासर हो गए, ये झुग्गी टाइप यहाँ पे मकान इन्होंने कच्चे बनाए हुए थे वो सारे बह गए और लोग सेफ जगह पे यहाँ पे मुंतकल हो गए। ये देख सकते हैं आप, ये इसके पुल के ऊपर आके बैठ गए लोग, ये इन्हों के घर मुतासर हो गए, ये यहीं पर रहते थे। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, ये इधर ही रहने वाले लोग थे, ये देख लें आप, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गया सारा एरिया जितना भी है। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक आपको ट्रेलर दिखाया, जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो राजनपुर है बिल्कुल ही। चार दिन पहले, पाँच दिन पहले जो है ना वो 80% जो है ना राजनपुर जो तबाह हो गया था। अभी जो सैलाबी रेला जो है ना वो 100% जो है ना वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। चाचड़ा शरीफ की जो रोड है ना उसकी राइट साइड पे है ना सीधे हाथ पे वो ज्यादा पानी है, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ना ये यहाँ पे बचत हो गई है। उसकी वजह ये है कि ये पुल है ना जो ये काफी रोड है, हाँ ऊंचा है, रोड की वजह से यहाँ पे जो है ना वो पानी नहीं आ सकता। और इतना खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि इतना ऊपर पानी आए और इससे ज्यादा पानी आए तो सादिकाबाद और रहीमयार भी जीरे आ सकते हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता। तो ये देख रहे हैं आप पानी से मुतासर इलाके आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सारा दरिया भी खत्म हो गया लेकिन दरिया का पानी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये झुग्गियाँ वगैरह जो बिल्कुल ही जीरे आप आ गई हैं, लोग वहाँ से सेफ निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो लोगों के जो घर वगैरह है ना, जो साजो सामान जितना भी था वो सारा इनका जो है ना वो डूब गया है। तो इन्हीं लोगों के लिए हम लोग जा रहे हैं, सेफ जगह पे रुकेंगे जाके वहाँ पे, यहाँ पे रोड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना जो गाड़ी का सामान है ना वो देना शुरू कर देना है। तो यहीं से लोग जो है ना वो आगे जाके बैठ गए, यहाँ पे कुछ लोग आबाद हैं और यहाँ पे तकसीम राशन वगैरह भी हो रहा है। तो लिहाजा जो हमारा रूट है वो राजनपुर, ज़िला राजनपुर का है, सिटी एरिया और देही इलाका जो है ना राजनपुर का उसका हमारा रूट है रुझान का। ठीक है, ये सारे एरिए जो सारे इलाके हैं ना वो ज़िले आब आ चुके हैं। ठीक है, बेड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, बेड़ियों की मदद से लोग आमद रफ्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, ये हिस्सा कुछ बच गया, ये बारिश से ज़ेरे आब आ गया, बारिश की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बेड़ियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, बस्तियाँ वगैरह, इन्हीं की मदद से लोग आमद रफ्त कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो गए इस चीज़ से। ये मेरी नज़र भी नहीं जा पहुँच रही, वहाँ तक पानी गया हुआ है। सोचें कि आप कितनी बस्तियाँ होंगी, कितने इलाके होंगे, कितने जो लोग होंगे वो मुतासर हुए होंगे, और इसमें इस तरफ से पानी आया है, इस तरफ से पानी आया, ये दरियाई पानी है और ये दरिया ख़त्म हो गया। अभी दरिया का जो पानी है वो अपनी लपेट में, जो जितने भी इलाके हैं वो सारे अपनी लपेट में ले लिए। ये देख लें कश्तियों की मदद से लोग जो है बाहर दाना वगैरह, खाद वगैरह जो बची हुई थी, गंदम वगैरह जो भी उनका सामान बच कुछ गया था, जो भी रह गया था वो आहिस्ता आहिस्ता बेड़ियों की मदद से वो अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास बेड़ियां हैं, उनके पास थोड़े बहुत वसाइल हैं, तो वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कि वहाँ पे वसाइल ही नहीं है उन लोगों के पास, खाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, सोचने के लिए टाइम ही नहीं है। सोचने की बात अगर आए तो उनके जहन में यही होता है कि ये हमारा घर टूट गया है, हमारा सारा सामान जो है ना वो गिर गया है, हमारा सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया, घर हमारा बर्बाद हो गया, लोगों की जमा पूंजियां थी ना जो वो सारी इसमें पानी में बह गई हैं। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना लोग मुतासर हो रहे हैं। ये भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी चंद मकान हैं जो अभी बचे हुए हैं लोगों में, पानी के दरमियान में मौजूद है, जो बेड़ियों की मदद से जो है ना जो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमें जो वो भी। ठीक है, ये काफ़ी बस्तियाँ जो जेरे आप आ चुकी हैं, ये दोस्तों खाना बदोश लोग हैं, नहीं हैं ये इनके अपने जाती घर हैं। खाना बदोश लोग होते हैं ना वो टेम्परेरी जो है ना वो बसेरा करते हैं काम के लिहाज से, अपने जो भी काम होते हैं उनके मजदूरी के लिहाज से काम करते हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदार लोग हैं,
अच्छे खासे इनके जो ज़मीनें वगैरह हैं जो आज रोडों पे आए हुए हैं, ठीक है, जो दर बदर हो रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, तो आप अपने ऊपर सोचें कि आपके साथ ऐसा हो तो आपको कितना वो दुख होगा, कितना रंजो गम होगा। तो ये वो लोग हैं जिनके जो एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें थी, ठीक है, जानवर थे इनके लाखों रुपये के, जो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गए और फसलें इनकी बिल्कुल ही पानी में बह गई सारी, ठीक है। अभी हम 20 किलोमीटर आगे और जाएंगे, वहाँ पे राजनपुर का जो ज़िला, राजनपुर का एरिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लोग भी वहीं से उठ के आए हुए हैं, लेकिन इनकी माशाल्लाह से अच्छी हेल्प की हुई है, खैमे वगैरह भी इनके पास मौजूद हैं, वो देख के भी लग रहा है। तो कल हमारे जो सीनियर हजरात जितने भी हैं उन्होंने विज़िट किया था, तो उन्होंने यही जजमेंट की थी कि जहाँ पे खाने वगैरह की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं है, तो वहाँ पे इन्होंने जो वो देनी है वहाँ पे तकसीम करनी है। इन्होंने यही कल सारा दिन विज़िट किया था, लोगों के जो देखे थे हालात क्या हालात हैं, तो इस लिहाज से उस टॉपिक पे वो जो बात मैं कर रहा हूँ, तो उसी जगह पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ये जाएंगे। अभी जा रहे हैं, ये इलाका जो है ना ये सेफ हो गया, इसलिए लोग यहाँ पे रिहाश पज़ीर हैं, आगे यहाँ पे बैठ गए हैं, ठीक है। ये एरिया दरिया की जो बच गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि दरिया ऐसे आ रहा था, तो ऐसे घूम के राजनपुर के अंदर दाखिल हो गया है। ये देख लें आप, ये सारे वही लोग हैं जो ज़िला राजनपुर से उठ के आए हैं, अल्लाह ना करे हमारे साथ भी ऐसा हो। खुदारा अल्लाह ताला सबकी जो माल और जान की हिफाजत करे, जो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेफ रखे। बहुत से लोग हैं जो दरिया में बह चुके हैं, बच्चे उनके मर गए, किसी की माँ को नहीं पता कि मेरा बच्चा कहाँ है, किसी के बच्चे को नहीं पता मेरी माँ कहाँ है,